अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन इस टाइम मैं मौजूद हूं दरबार से ज़रा सा जो आगे रास्ता था वहां पर, और यहां पर कसीर तादाद पे आवाम मौजूद है। यहां पर एसपी की गाड़ी इनके हाथ लगी, इन्होंने उसको तोड़ फोड़ दिया। और आप देख रहे हैं कि अब जो मामलात हैं वो यहाँ सर तो ट्रैफिक निकल गई है इस्लामाबाद की तरफ, आगे के क्या हालात हैं, लाहौर यहाँ से एंड होता है और उसके बाद आगे जो है वो दूसरे शहर जो है वो शुरू हो जाते हैं, क्या ये इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, आज डेली तरतीब आप सारा कुछ जानेंगे। हमारे साथ अपडेट रहें, हमारे साथ रहें, अब आपको लोगों की राय भी दिखाते हैं और यहाँ पर जो हो रहा है वो भी दिखाते हैं। इतनी शेलिंग की गई है, इतना आंसू गैस की गई है कि आप यकीन करें कि आवाज़ जो है वो निकालनी बड़ी मुश्किल हुई हुई है। मेरी बैक साइड देख रहे हैं कि ट्रैफिक अब इस टाइम खोली हुई है, तो बाकी क्या मामला आते हैं वो आम से जानते हैं, आइए मेरे साथ। कारकुन इस टाइम देखें नाजरीन बैक साइड पे कि गाड़ियां जो इन्होंने बैरियर हटा दी हैं और अब निकल रहे हैं आवाम जो इस्लामाबाद की तरफ जा रही है खान साहब की कॉल पर। ये मेरे साथ भाई नौजवान मौजूद है, भाई क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम इमरान खान के साथ हैं, इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम इस्लामाबाद पहुंच गए। इमरान खान यहाँ पे नारे देख रहे हैं और भाई भी मौजूद हैं। भाई जानी क्या मामला देख रहे हैं, क्या इस्लामाबाद पहुंच पाएंगे? इंशाल्लाह सूरत में हम पहुंचेगा, जितनी भी कंटेनरें लगा देगा, जो मर्जी करे हम पहुंचेगा, हर सूरत में पहुंचेगा। आपका तो पूरा मन इत्तेजाज है, तो ये सब क्या है? पहुंचेंगे भाई, इस्लामाबाद हम पहुँच के देखेंगे। ये सब राना सनाउल्लाह की वजह से हो रहा है, ये मुल्क में श्रीलंका जैसा हल करना चाहता है पाकिस्तान में। देख रहे हैं मुख्तलिफ अवाम की यहाँ पर राय है, यहाँ पर बैरियर अपनी मदद आपके तहत इन्होंने हटाए हैं और अब नियाजी एक्सप्रेस की जो गाड़ियाँ हैं वो निकलने को तैयार हैं और इसमें लेडीज़ बच्चे बूढ़े सब बिठा कर मेरी बैक साइड में इस्लामाबाद की तरफ ये अब निकलने लगी हैं गाड़ियाँ। देखना ये है कि ये पहुँच पाती हैं कि नहीं, कहाँ कहाँ इनको हर्डल्स का सामना है और वकील ने इनका बहुत साथ की, भरपूर मदद की, खुदा की कसम बड़े डंडे खाए हैं, लेकिन वकला बरादरी की मेहरबानी सलूट है, अगर वो ना आते तो यहाँ से रास्ते ना खुलते। उन्होंने हमारी हेल्प की, पुलिस के साथ झगड़ा, पैर नियाजी पे तशद्दुद किया गया है वो, हाँ वो क्या मामला था, छोड़ दिया गया उनको? अभी तक तो नहीं, उस वक्त वो बिठा के गाड़ी में ले गए थे, डीएसपी साहब बिठा के लेके गए थे, लेकिन अभी छोड़ा है या नहीं छोड़ा ये नहीं मुझे पता। डंडों के साथ, टांगों के साथ, बस इनके हाथों के साथ जो कुछ उनके हाथ में, उनको मारा गया वहाँ पर। उसके बाद फिर ये वकला बरादरी इकट्ठी हुई है, तब जाकर अवाम को सपोर्ट मिली है और फिर ये रास्ता खुला है। सर क्या समझते हैं आप, इस्लामाबाद जाएंगे? इंशाल्लाह जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, रात तक पहुंच जाएंगे, मिडनाइट पहुंच जाएंगे, अगले दिन पहुंच जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम एक बात है, मेरा पहले मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक था, 6 माह हुए हैं मैंने वो छोड़ी, कि कम से कम मिनिमम इमरान खान बेईमान नहीं है, अल्लाह जानता है वो ईमानदार है। कुरान पाक में अल्लाह ने सूरत में फरमाया, आयत में फरमाया कि मैंने तुम्हारी तरफ एक जमात और कुछ लोग छोड़े हैं, तुम इनके पीछे चल पड़ो, और उनमें से नियाजी खान एक है। और इंशाल्लाह ताला नियाजी एक्सप्रेस की गाड़ियाँ जुबैर खान नियाजी साहब ने भेजी हैं? जी जुबैर नियाजी साहब ने भेजी हैं। ये जो आप जा रही हैं आप क्या समझते हैं, आगे तो बड़े बैरर लगे हुए हैं, आप एक बात याद रखिएगा, मैंने बुक्स में पढ़ा है, पानी आग और अवाम अपना रास्ता खुद बनाती है। आपने देख लिया मनोटन यहाँ पर था, अवाम ने रास्ता बना लिया। मैं अपील करता हूँ जुडिशरी से और अपने पाक फौज से अपील करता हूँ कि काइंडली अल्लाह का वास्ता है, इन अवाम को देखें, इन पर तरस खाएं। वो मांग कर रहे हैं नियाजी मांग कह रहा है, वो कह रहा है सिर्फ इलेक्शन दे दें। यार तुम में इतनी ताकत है, तुम वाकई इतने ताकतवर हो अवाम में, तो आज इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तीन माह पहले तक तो वो यही कह रहे थे कि जी इलेक्शन चाहिए इलेक्शन चाहिए, अब कोई इलेक्शन नहीं, इसलिए कि जब BBC की, पाकिस्तान के मीडिया की, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट्स हैं कि अगर पाकिस्तान में विद इन 3 मंथ्स इलेक्शन हेल्ड हो जाते हैं तो ये वाइट वॉश कर देगा, कम अज़ कम 85% सीटें विन करेगा, और इंशाल्लाह ऐसे ही होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आप बैक साइड पे देख रहे हैं कि गाड़ियां जो है वो देखें नियाजी एक्सप्रेस की निकल चुकी हैं, ऐसे ये बैक साइड पे मेरे आप देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ को अब ये रवाना है, जो कि पहले कहा जा रहा था कि इसको रोका जाएगा लेकिन अभी तक रोकने में नाकाम है, और ये निकल रही हैं गाड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ। इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है कि जितने भी कारकुन हैं सारे इस्लामाबाद पहुँचे, तो ये कारकुन जितने भी यहाँ मेरी बैक साइड देख रही हैं, खारजी रास्ता है लाहौर का, लाहौर यहाँ से ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर फिर आगे जो है वो शुरू हो जाता है, और ये बसें जो है भर भर के इस्लामाबाद की तरफ जा रही हैं नियाजी एक्सप्रेस की। सुनने में ये आया कि जुबैर खान नियाजी साहब ने ये नियाजी एक्सप्रेस की बसें भेजी हैं आवाम के लिए, ताकि वो तहफ़ के साथ इस्लामाबाद पहुँच सकें। खुद तो वो रेस्ट हो गए हैं, लेकिन अभी क्या सूरत हाल है वो भी आपको अपडेट करते रहेंगे साथ साथ। लोगों का कहना है कि वकील बरदरी ने बहुत साथ दिया है, हमारे साथ ये वकला बरदरी के एक जहानबाज जिसे कहते हैं अहमद शेर जट साहब भी मौजूद है, उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई जान, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप अहमद भाई, बताएं क्या हालात देख रहे हैं, इस्लामाबाद जा रही है अवाम, रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें जो वकला की हद तक है, वकला ने तो यहाँ से क्लियर करा दिया है, पहले इन्होंने सिविल कोर्ट्स के सामने जो है वो ऐवान-ए-अदल के सामने बैरियर्स लगाए थे,
उसमें वो हमारी वकला लीडरशिप में फरहान जाफरी साहब हैं, हसान भाई थे, उमैर न्याजी साहब थे, सब लोगों ने और वकला की कसीर तादाद ने उनको बिल्कुल जो है वो रोनते हुए उनको आगे गुजार दिया है। अब आगे जो है वो इंशाल्लाह यहाँ से दाता दरबार से आगे निकलेगा और इंशाल्लाह 32 चौक वाली जो है रुकावटें और अगली जो शादरे वाली वो भी आगे। बरादरी बहुत साथ दे रही है, आपको क्या लग रहा है कि वकीलों की वजह से ये सारे मामला हल हुए हैं? नहीं, यकीनी तौर पर वकला हमेशा हक का साथ देते हैं, सच का साथ देते हैं और वो मानते हैं कि खान साहब इस वक्त सच बोल रहे हैं और खान साहब पाकिस्तान के लिए निकले हैं और वकला जो हैं वो खान साहब के साथ हैं। तो ये अब आगे जो मामला हैं वो कैसे हैंडल होंगे? वो हमारी मेन लीडरशिप और इमरान खान साहब जैसे उनको करेंगे, वो जैसे हिदायत जारी करेंगे इंशाल्लाह ताला। ज़ुबैर खान न्याजी के बारे में जानूंगा, उनको बड़े वो उन्होंने पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया है, आपने उसकी क़यादत में सारे जा रहे थे, क्या देखते हैं कि आगे मामला उनको छोड़ दिया जाएगा? देखें वो ज़ुबैर न्याजी साहब की स्टेटमेंट आई है कि उनको तो पता ही नहीं है कि उनके घर कोई धावा बोला भी गया, उनकी गाड़ी का भी पता उनको कोई ऐसी बात है ही नहीं। तो वो ये जो हो रहा है दो दिन से आप देख रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे किस्म के हथकंडे जो हैं वो इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, वो इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा और हमें अदालतों के ऊपर पूरा एतमाद है कि अदालतें जो है वो उनको क्लियर करेंगी, साफ करेंगी। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन आपने देखा कि यहाँ पर वकला बरादरी इस टाइम पीटीआई तरीके इंसाफ का साथ दे रही है। ज़ुबैर खान न्याजी एक लीडर थे यहाँ के, उनका हलका था, वो यहाँ से जब निकले उन पर तशद्दुद किया गया और उनको अरेस्ट किया गया, लेकिन क्या मामला थे जो आपने सारे यहाँ पर डेली धरती से जाने, अब गाड़ियाँ यहाँ से निकल के इस्लामाबाद की तरफ तो रवाना हो गई हैं, अपनी मदद आपके तहत इन्होंने बैरियर हटाए हैं, अपनी मदद आपके तहत सारी गाड़ियां निकाली गई हैं यहाँ पर इस्लामाबाद की तरफ, क्योंकि खान साहब ने कॉल दे दी है कि इस्लामाबाद आपने लॉन्ग मार्च के लिए पहुँचना है। मई में यहाँ पर मार्च का समा हुआ है और आप यकीन करें कि हर तरफ जो है अवाम पुर जोश है, इमरान खान के साथ हुई हुई है इस टाइम। अब पता नहीं क्या होगा, आगे के मामलात भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए अपने मेज़बान फलक शेख को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।